खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। संघ से हमारे बीच में मौजूद हैं इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश महासचिव श्रीमती सुनैना जी चौटाला से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि इस विशाल जनसभा में पधारी महिलाओं का स्वागत करें। श्रीमती सुनैना जी चौटाला। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जिनके लिए स्वर्गीय दादाजी चौधरी देवीलाल जी, उनको सबसे पहले नमन करना चाहूंगी और उनसे आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि आप सदैव इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। उसके बाद मैं पिताजी आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करूंगी कि वो आज यहाँ आए और आप सबको, हम सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। मंच पर बैठे जितने भी सम्मानित नेतागण, मैं उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ इस कैथल की पावन धरा पे आए आप सभी का, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, आप सबका भी मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहूंगी। मुझे आज ये मौका मिला है तो मैं जरूर कहूंगी और मैं ये दादाजी के लिए, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि मानूंगी कि जो आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सच्चे दिल से चौधरी देवीलाल उनके साथ हैं, जो सच्चे दिल से उनकी विचारधारा के साथ हैं, तो वो आज यहाँ मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वर्गीय दादाजी इंडियन नेशनल लोकदल के उत्तराधिकारी आदरणीय माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को बना के गए थे और उन्होंने अपनी पूरा जीवन उनके आदेश को मानते हुए आप सब लोगों के बीच वो आते रहे और उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। यदि उसके बाद मैं नाम लूं तो जलनायक चौधरी अभय सिंह जी भाई साहब, उन्होंने भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आज आप सब लोगों के बीच जलनायक हरियाणा प्रदेश के लिए, जितने भी, यदि आप पीछे विधानसभा में देखें, जितने भी प्रदेश के उत्थान के लिए आवाज उठाई थी वो माननीय आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने उठाई थी। उसके बाद यदि मैं नाम लूं, आप सब लोगों को ये बता दूं कि जितने भी इस पार्टी को छोड़ के गए हैं, मैं उन सब लोगों के लिए ये कहना चाहूंगी, बेशक चाहे वो जहान में कहीं भी चले जाएं, लेकिन उनका एड्रेस इंडियन नेशनल लोकदल ही रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे ये दुख होता है, मुझे ये पीड़ा होती है अपने पिताजी को देख के कि उन्होंने उन लोगों को आज फर्श से लेके अर्श पे बिठाने का कार्य किया और आज जब उन पे परिस्थिति आई, परिस्थिति ज्यादा देर नहीं रहती, समय की एक अच्छी बात होती है कि समय निकल जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि समय सदैव इंडियन नेशनल लोकदल का आता और जाता रहा है। 2019 में आप देखेंगे कि वो समय फिर दोहराएगा, फिर से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। उसके लिए भी मैं आपको कारण बताना चाहूंगी। सबसे पहला कारण, ये देश की, ये हिंदुस्तान की और हरियाणा प्रदेश की भ्रष्ट सरकार बीजेपी, यदि आप गौर फरमाएं, आप घर पे जाके मंथन करें कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जिस ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित करके उसको कर माफ किया था, उस ट्रैक्टर के ऊपर, उस किसान के ऊपर इस सरकार ने एक गाज गिराई है और उनके ट्रैक्टर तक के ऊपर 76,000, 87,000 तक का आपको टैक्स लगाने का काम किया है। मैं मेरे हर किसान से, मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से, कमेरा वर्ग से, व्यापारी वर्ग से, छोटे दुकानदार से, मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगी कि घर जाएं,
आत्म मंथन करें और ये सोचें कि सरकार कौन सी अच्छी थी। ये बीजेपी सरकार को यदि आप वोट देते हैं तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये आत्महत्या करने जैसा होगा, क्योंकि अभी और कर लगने बाकी हैं, अभी और इनकी नियत में खोट बाकी है। जो ये लोकसभा में आप सब ने जो जनादेश दिया उसका नतीजा तो आपको इन्होंने झज्जर में मेरी बेटियों को पिटवाया, पंचकुला में मेरी बेटियों को पिटवाया, आज तो उन्होंने ये जो इन्होंने दिया है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग ये जाके सोचें, विचारें, यदि हमारी बहन बेटियों को मंच किसी ने दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल सरकार है। मैं आज यहाँ भारी संख्या में मेरी माताओं और मेरी बहनों को पधारने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो भाई साहब से बोला था कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर होगी, तो मैं दूर तक देख रही हूँ मेरी माताएं, मेरी बहनें हैं, आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।